बच्चे तो अपना गया था, तो मैं वहाँ पे ऑपरेशन के लिए गया, तो मेरा ऑपरेशन किया लेकिन मेरा ऑपरेशन ना फेल हो गया था। फिर दूसरी बार गया तो बोलने लगे पर्दे के अंदर पानी भर गया था, तो फिर आने पर्दे में पानी भर गया तो बोले ऑफिस ऑपरेशन करना पड़ा। फिर वाले यहाँ वहाँ बच्चे अपने में कैंसिल करके तो मैं इधर आया बोरेली में। बोरेली में आया तो मैं बोलने लगे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर्दा छूट गया। तो पर्दा छूटने का यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेशन किया तो मेरे को यहाँ पे सक्सेस हो गया, पर्दा बराबर बैठा। और दूसरी बार किया लेकिन टाका कमाया, लेकिन पर्दा बराबर अपनी जगह पे बैठ गया। लेकिन उनके डॉक्टर का और मैडम का उनका हाथ लगा, उनके आशीर्वाद से मेरे को सब दिखने लगा। इनके आँख का पर्दा हट गया था, तो हम लोग ने कहीं किए थे ऑपरेशन, तो वहाँ ऑपरेशन फेल हो गया। एक नहीं दो बार किए थे, तो दोनों बार फेल हो गया, तो उनकी आंखों की रोशनी एकदम से चली गई थी। तो हम यहाँ पे फिर एशियन आइस हॉस्पिटल में आए, तो यहाँ पे हमने डॉक्टर ने यहाँ पे इनका ऑपरेशन किया। तो इनके ऑपरेशन के बाद में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो अब इनको दिखाई दे रहा है, रोशनी इनकी वापस आ गई है। बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी अल्लाह के करम से और यहाँ के सब डॉक्टर की हेल्प की वजह से अब उनको अच्छे से दिखाई देने लगा है। जो रोशनी उनकी चली गई थी वो वापस आ गई। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ वहाँ मत जाइए, एकदम प्लीज सही और राइट जगह डॉक्टर पे जाके अपने आंखों का इलाज कराइए। ठीक, थैंक यू।